हेलो एवरीवन, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था हमने दो प्रोटोकॉल पढ़ने हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक यूडीपी और एक टीसीपी। ठीक है, इनके बारे में अब हम लोग डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग यूडीपी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टीसीपी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो यूडीपी के बारे में देखते हैं। अच्छा, मैंने फ्रोजन की बुक खोल ली है, ई बुक है मेरे पास, मैं इसी में से ही आपको सारा पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, बुक रीड करने का भी आपको इससे आइडिया हो जाएगा और यू विल रियली एंजॉय लॉट। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि किताबों की लाइनें पढ़ता जाऊं। आप मुझे जानते हो, काफी टाइम से आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो है ना, पूरा अच्छे से डिटेल में चीजों को समझेंगे। और मेन बात क्या है कि हमारे को बुक रीड करनी आ जाएगी, इसलिए मैं बुक में से आपको साथ साथ पढ़ाता हूँ। लैंग्वेज बहुत आसान है और बहुत जल्दी आप चीजों को ग्रेस्प कर पाओगे। चलो, यहाँ पे ये हैंड टूल चल रहा है, वो देखते रहना, उससे आपको फटाफट से चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यूडीपी देखो, यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अच्छा जी, तो अब ये व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शनलेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनरिलायबल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ऊपर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या मीनिंग है भाई कनेक्शनलेस और अनरिलायबल का। देखो भाई, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो तरह के सर्विसेज हमारे को देती है। ठीक है, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है कनेक्शनलेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी इधर कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शनलेस सर्विस का मतलब देखो क्या बता रहे हैं, इन कनेक्शनलेस सर्विस द पैकेट आर सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विद नो नीड ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना तो कोई कनेक्शन बनाया जाएगा, ना ही कोई कनेक्शन तोड़ा जाएगा, सीधा ही पैकेट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, द पैकेट्स आर नॉट नंबर्ड, पैकेट्स पे कोई नंबरिंग नहीं दी जाएगी, दे मे और मे नॉट, दे मे बी डिलेड, मतलब लेट पहुंच सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, आउट ऑफ सीक्वेंस अराइव हो सकते हैं, कैसे भी करके, मतलब कहीं से भी घूमते घामते पहुंचे, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, कोई कनेक्शन ही बन रहा। ओके, एंड देयर इज नो एक्नोलेजमेंट इधर, और इनकी एक्नोलेजमेंट भी सेंड नहीं करी जाएगी, मतलब पैकेट आया तो उसकी एक्नोलेजमेंट करो एंड सम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। ओके, एंड और ये सब हाँ इन्होंने बता रखा है कि वी विल सी शॉर्टली दैट वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट मॉडल यूडीपी इज कनेक्शन। ठीक है, मैंने आपको भी बताई दिया था, तो आपको समझ आ गया कनेक्शनलेस का मतलब क्या है। प्लीज इसको कनेक्शनलेस को ऐसे मत समझना कि हाँ जी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है एंड सो ऑन, और कनेक्शन ओरिएंटेड को इस तरह से मत समझ लेना कि कोई फिजिकल कनेक्शन बनता होगा जिसके थ्रू पैकेट ट्रांसफर होते होंगे एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, है ना। प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्किंग, मैंने आपको वहां पे भी क्लियर किया था, है ना, क्योंकि जो ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर ऊपर है और नीचे नेटवर्क लेयर है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर की सर्विसेज को यूज करना है। अब एक बार जरा ये सोचो, नेटवर्क लेयर पे बैठा प्रोटोकॉल कौन सा? आईपी। आईपी कैसा होता है? कनेक्शनलेस और अनरिलायबल होता है, कनेक्शनलेस होता है ना आईपी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे हो सकती है? ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होता जैसे ये सेंडर है ना, यहाँ पे ये देखो जैसे ये कुछ राउटर्स है हमारे पास। ओके, हाँ जी, और ये रिसीवर है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पाथ से पैकेट होते हुए जाएंगे, मतलब जैसे सपोज कर लो हमने एक पाथ फिक्स कर लिया, यहाँ से पैकेट चला, इधर जाएगा और इधर जाएगा, और भी अलग अलग पाथ्स हैं, तो जिस पैकेट का जहां से मन करेगा वो वहां से जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मन इन द सेंस वही बता, राउटर देख लेगा कौन सा उसका क्यू भरा हुआ है, कौन सा खाली है एंड सो ऑन, वो सब तो राउटिंग एल्गोरिदम्स का काम है ना, उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। मेन बात क्या है कि डेटाग्राम ट्रेवल करता है इंटरनेट पे, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी पैकेट का नाम है, जैसे अगर यूडीपी यूज करें, मैं उनको बहुत बार पहले भी बताया था, हम पैकेट को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम, है ना। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर हम लोग टीसीपी यूज कर रहे हैं तो पैकेट का नाम होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट उड़ के नहीं जाती है भाई, या यूजर डेटाग्राम उड़ के नहीं जाता है, वो डेटाग्राम के अंदर पैक होके जाएंगे ना। डेटाग्राम क्या होता है भाई? नेटवर्क लेयर के पैकेट का नाम है ना। नेटवर्क लेयर पे पैकेट को हम क्या कहते हैं? डेटाग्राम। और डेटा लिंक लेयर पे क्या कहते हैं? फ्रेम, है ना। तो वही बात है, यूजर डेटाग्राम या सेगमेंट ये उड़ के नहीं जाएगी, ये डेटाग्राम में पैक होके जाएगी, और डेटाग्राम भी उड़ के नहीं जाएगा, ये फ्रेम में पैक होके जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको बहुत बार पहले बता रखा है। तो अब जरा ये सोचो, अगर डेटाग्राम जो है हमारा वो किसी भी पाथ को फॉलो करता हुआ कहीं से भी जा सकता है, जहां से हम राउटर देख लेगा जो उनका क्यूज का खाली होगा एंड सोन, कोई इस तरीके से जाएगा, कोई इस पाथ से जाएगा, कोई इस पाथ से जाएगा एंड सोन, जब वो कहीं से भी घूमता फिरता जा सकता है, तो
तो फिर आप ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे। टीसीपी आपको पता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मैंने बहुत बार बताया था आपको, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है ना। नहीं याद आ तो इनिशियल वीडियो देखो मेरे नेटवर्किंग के। हाँ, तो टीसीपी अगर कनेक्शन ओरिएंटेड है तो मैं इस बात की रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दूंगा कि सेगमेंट एक पाथ से ही जाएगी, सेगमेंट उड़ के नहीं जाएगी, डेटाग्राम में पैक होकर के जाएगी। तो जब डेटाग्राम इधर उधर से कहीं से घूमता घामता जा सकता है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली सेगमेंट भी, जो कि सेगमेंट क्या है भाई, डेटाग्राम के अंदर पैक होकर जाएगी, तो सेगमेंट भी तो कहीं से घूमते फिरते जाएगी, कोई कहीं पाथ से, कोई किसी पाथ से। तो प्लीज कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये मत सोच लेना कि एक फिक्स पाथ फॉलो होता होगा एंड सो, मतलब एक फिजिकल कनेक्शन बन जाता होगा, ऐसा कभी नहीं होता भाई। ठीक है, किसी भी पाथ से भी जा सकते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब सिंपली क्या है, एक माइंड मेकअप करना। सेंडर साइड पे कुछ रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे एडवांस में, रिसीवर साइड पे कुछ रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे एडवांस में, है ना। और वही बात है, पैकेट्स को नंबर दे दिए जाएंगे, तो यहाँ से सेंडर पैकेट्स भेजता जाएगा, रिसीवर उनको रिसीव करता जाएगा, सीक्वेंस में उनको लगाता चला जाएगा। मतलब आउट ऑफ सीक्वेंस आ गए तो फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर साइड से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगी कि हाँ जी आउट ऑफ सीक्वेंस आया, पैकेट दोबारा से सीक्वेंस में भेजो, या एक पैकेट बीच में मिस हो गया आप इसको दोबारा से भेजो एंड सो ऑन। समझ रहे हो, ये पूरा माइंड मेकअप चलता है कि आगे और पैकेट्स आ रहे हैं। समझ रहे हो, रिसीवर साइड पे बफर एलोकेट हो जाएगा, सेंडर साइड पे बफर एलोकेट हो जाएगा, और पैकेट्स को नंबर कर दिए जाएंगे, और नंबर वाइज सेंडर पैकेट रिसीवर के पास भेजेगा, और रिसीवर साइड पे उनकी रीअसेंबली होगी, नंबर वाइज वो पैकेट्स को रीअसेंबल करते चले जाएंगे। बीच में अगर कोई पैकेट मिसिंग होगा तो फिर रिसीवर वापस से सेंडर पे एक एक्नोलेजमेंट करे, नेगेटिव एक्नोलेजमेंट करेगा कि हाँ भाई पैकेट ये मिसिंग है या ये सेगमेंट मिसिंग है, आप मेरे पास दोबारा से भेजो एंड सो ऑन। ये सारा काम कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम का है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, और ये सारा काम टीसीपी करता है। यूडीपी ये सब कुछ करता ही नहीं है, यूडीपी में कोई पैकेट को नंबर नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे एंड सो ऑन, जिसका जहां से मन कर रहा है वो घूमता घामता जाएगा पैकेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो और टीसीपी में चॉपिंग करी जाती है पैकेट की, है ना, जैसे मैसेज की, जैसे बहुत बड़ा मैसेज है तो उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, हर एक टुकड़े का नाम क्या रखेंगे, सेगमेंट, और ये सेगमेंट किसी भी पाथ से होती जा सकती है, इतनी ध्यान रखना, किसी भी पाथ को फॉलो करती जा सकती है। तो ओनली थिंग इज रिसीवर साइड पे इनकी रीअसेंबली होगी, सेगमेंट्स को हम नंबर देके रखेंगे, सेगमेंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बीच में कोई सेगमेंट मिसिंग हो गई तो फिर रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट जाएगी, सेंडर दोबारा से उसको भेजेगा एंड सो ऑन, सब कुछ चलता रहेगा, एरर डिटेक्शन करेक्शन सब कुछ होगी प्रॉपरली ढंग से। ठीक है, ओके जी, तो ये टीसीपी की कहानी है। यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए यूडीपी को हम लोग कनेक्शन लेस कहते हैं, क्योंकि और यूडीपी में सिर्फ उतना ही डेटा जाएगा जितना कि उसके फ्रेम, उसके यूजर डेटाग्राम के अंदर आ सकता है, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जितना मर्जी डेटा भेजो आप, चॉपिंग वगैरह कर लो एंड सो ऑन। चॉपिंग वगैरह टीसीपी में होती है भाई, 1 MB का डेटा भेजना है, 2 MB का डेटा भेजना है, 5 MB का डेटा भेजना है, और वो आप टीसीपी की हेल्प से भेजोगे। लेकिन अगर छोटा छोटा सा डेटा है, 15 बाइट का, 50 बाइट का, 100 बाइट का एंड सो ऑन, वो सब आप लोग यूडीपी की हेल्प से भेजोगे। यूडीपी का भी एक फिक्स साइज होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, है ना। यूडीपी पैकेट को हम क्या कहते हैं, यूजर डेटाग्राम कहते हैं, तो उसकी मैं आपको आगे समझाऊंगा। 16 बिट की फील्ड होती है भाई, है ना, 16 बिट की टोटल लेंथ की फील्ड होती है। 16 बिट मतलब 2 पावर 16 माइनस 1, तो 65535, 65535 आपको लगेगा कि यूजर डेटाग्राम का साइज 65535 हो सकता है, बट एक्चुअली वही बात है, ये उड़ के नहीं जाएगा, ये आईपी में पैक होकर जाएगा। आईपी हेडर मिनिमम कितने का होता है, 20 बाइट का होता है। तो यूडीपी का जो पैकेट है, यूजर डेटाग्राम, उसका साइज 65535 माइनस 20, दैट इज 65515 बाइट्स तक का हो सकता है, 65515 बाइट। ये ध्यान रखना भाई, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आगे करानी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो यूडीपी में 65515 पैकेट का साइज, बाइट्स, 65515 बाइट्स का हो सकता है पैकेट, मतलब 65515 मतलब अप्रोक्सीमेटली 65 KB, 64 KB समझ, लगभग 64 KB, 65 KB अराउंड, इस इतने टाइप का ही हमारे पास होता है ना। ऑफ कोर्स हम नेटवर्किंग में जनरली 1 KB 1000 बाइट के बराबर रफली मान लेते हैं, एक्चुअली 1 KB 1024 बाइट्स होता है, सब आपको पता होगा, आई थिंक मैं इसमें ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, रफली 64 K मान लो। ठीक है, 64 KB तक का आप डेटा भेज सकते हो एग्जैक्टली, तो 65515 बाइट्स, और एग्जैक्टली पूछा जाएगा गेट एग्जाम में, आप टेंशन मत लो, एग्जैक्टली पूछा जाएगा। 65515 बाइट्स का हमारे पास यूजर डेटाग्राम हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अभी और डिटेल अभी धीरे धीरे हम जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो समझ में आ गया ना, यूडीपी कनेक्शन लेस है और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये बफर्स वगैरह एलोकेट होंगे, रिसोर्सेज एलोकेशन इन एडवांस, बस इतना ध्यान रखना है आपको, माइंड मेकअप हो रहेगा आपका। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब एक माइंड मेकअप हो रहा है, ठीक है, और पैकेट सेगमेंट्स को नंबर दिए जा रहे हैं, और सेगमेंट वहां पे अराइव हो रही है, और वहां पे एक किस्म से रीअसेंबली हो रही है, तो एक कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या, ये कनेक्शन बन रहा है और उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। जैसे आप किसी के पास कुछ
पैकेट्स भेज रहे हो, मतलब पैकेट्स मतलब इन द सेंस आप लेटर्स भेज रहे हो, है ना, चिट्ठियां, लेटर लिखते हो और भेजते हो, लेटर लिखते हो और भेजते हो। तो लेटर नंबर वन आपने भेजा दूसरे के पास, फिर लेटर नंबर टू, लेटर नंबर थ्री, तो एक सेंस ऑफ फॉल्स कनेक्शन ही लगेगा आपको कि हाँ जी हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, मैं भी कुछ लेटर्स उसको लिख के भेजता हूँ, वो भी मुझे कुछ लेटर लिख के भेज रही है एंड सो। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, है ना, पहले तो फोन वगैरह नहीं होते थे, पहले तो सब लेटर से काम होते थे, तो एक आदमी लेटर लिखेगा, फिर वहां से मतलब हस्बैंड ने लेटर लिखा वाइफ को, फिर वाइफ आगे लेटर भेजेगी हस्बैंड को एंड सो, ये सब धीरे 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 हम ये सब चलता रहता था, तो एक फॉल्स कनेक्शन था ना उन दोनों के बीच में, बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। और वो फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, सिर्फ लेटर लिख रहे हैं और वो एक मतलब हस्बैंड वाइफ को भेज रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को भेज रही है, ठीक है। हाँ जी, और यूडीपी का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही लेटर आया, अनजान आदमी को आपने एक लेटर भेज दिया, बस काम खत्म, तो उतना ही भेजा जितना आप एक लेटर में लिख के भेज सकते हो। अब जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे, है ना, तो फिर आप मल्टीपल लेटर्स लिखोगे ना, लेटर नंबर वन, लेटर नंबर टू, लेटर नंबर थ्री एंड सो ऑन, तो लेटर नंबर वन आएगा तो फिर दूसरे दूसरे पार्टी को इंतजार रहेगा कि कब लेटर नंबर टू आएगा, कब लेटर नंबर थ्री आएगा एंड सो ऑन। आप समझ पा रहे हो गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे तो फिर आप बोलोगे उसको कि नहीं भाई नहीं, मेरे पास तो लेटर नंबर थ्री नहीं आया, लेटर नंबर फोर आ चुका है, पता नहीं आपने भेजा नहीं था या लॉस हो गया, आप दोबारा भेजो एंड सो ऑन। वो सब एक फॉल्स कनेक्शन वाली कहानी बन रही है ना, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ भेजते ही उतना डेटा हो जितना कि आप एक लेटर में लिख के भेज सको, मतलब ज्यादा थॉट्स नहीं आपके दिमाग में, दो चार बातें आपको करनी है, तो वो कनेक्शनलेस स्कीम वाली बात हो जाएगी, है ना, और वो यूडीपी में चलती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। जैसे आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, अभी हाल फिलहाल में मेरे पास लेटर आया था, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि भाई आपका हमारे पास फाइल करके टैक्स नहीं आया एंड सो ऑन, तो उन्होंने मेरे को भेजा, वो भूल गए, वो रिप्लाई थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी मैं आपको उनको भेजूँ कि हाँ जी मेरे पास आपका लेटर पहुंच गया है, मैं अभी आजकल मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको एंड सो ऑन, उनके दिमाग में कुछ नहीं, उन्होंने बस भेजा और मैंने बस मतलब उनको उन्होंने भेज करके काम अपना खत्म कर दिया, ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, समझ पा रहे हो। तो दैट इज कनेक्शनलेस स्कीम, तो उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन वाली बात तो कुछ है ही नहीं ना, आईटीआर वालों को मैं कहाँ जानता हूँ। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको फीलिंग आ गई होगी प्रॉपरली कि यूडीपी क्या कर रहा है और पीसीपी क्या कर रहा है। तो यूडीपी सिर्फ उतना ही पैकेट, उतना ही डेटा भेज सकता है जितना उसके एक पैकेट के अंदर आ सकता है, शॉपिंग वगैरह वो सब करना यूडीपी के बस की बात नहीं है। और डिटेल चाहिए तो आपको मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे नेटवर्किंग के, मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया था यूडीपी क्या है, टीसीपी क्या है एंड सो। और कनेक्शन वाली बात अब आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आते हैं वापस अपने अपनी किताब में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो देखो उन्होंने लिखा हुआ ना, इन कनेक्शन एंड सर्विस द पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विद नो नीड ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज, द पैकेट्स आर नॉट नंबर्ड, दे मे बी डिलीवर्ड, दे मे बी डिलेड और लॉस्ट और मे अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट ईदर, वी विल सी शॉर्टली दैट वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मैं आपको टीसीपी में बताऊंगा, थ्री वे हैंड शेकिंग यूज होती है, क्वेश्चन आते हैं इस पे, मैं बहुत ढंग से समझाऊंगा आपको कैसे कनेक्शन बनाया जाता है एंड सोनर कैसे तोड़ा जाता है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए थ्री वे हैंड शेकिंग चलता है, ठीक है। तो वो इन्होंने बताया कि कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब पहले कनेक्शन बनाया जाएगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा, ये सब कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम की कहानी होगी। और कनेक्शन लेस में कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन कनेक्शन नहीं, सीधा डेटा भेजा काम खत्म किया। तो यहाँ पे तीन स्टेप में काम होगा, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन फिर डेटा ट्रांसफर और फिर कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए थ्री वे हैंड शेकिंग मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए भी थ्री वे हैंड शेकिंग होता है और कई बार फोर वे हैंड शेकिंग विद हाफ क्लोज ये भी चलता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। टीसीपी में भी ज्यादा नहीं हम इसमें घुसते, अभी यूडीपी पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इन्होंने देखो लिखा हुआ है, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस अ कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टेब्लिश बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, डेटा इज ट्रांसफर्ड, एट द एंड कनेक्शन इज रिलीज, यही होगा ना, पहले कनेक्शन बनाया जाएगा फिर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा और फिर कनेक्शन तोड़ा जाएगा। ओके, वी विल सी शॉर्टली टीसीपी एंड एससीटीपी। एससीटीपी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये हमारे को पढ़ना है अच्छे से, टीसीपी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है जी। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल। हाँ जी, तो रिलायबल वाली बात देखो इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यूडीपी इज कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस वाली बात अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आपको क्लियर हो गया होगा। और रिलायबल और वर्सेज अनरिलायबल ये भी मैं आपको बात कर लेता हूँ, है ना। तो यूडीपी अनरिलायबल है बट टीसीपी रिलायबल होता है, तो वो सब इन्होंने बताया, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज कैन बी इधर रिलायबल और अनरिलायबल, इफ द एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम नीड रिलायबिलिटी वी यूज रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बाय इंप्लीमेंटिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। रिलायबल का मतलब क्या है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंप्लीमेंट कर रखा है,
अगर करा हुआ है तो हम उसको रिलायबल कहेंगे, अगर नहीं कर रखा तो हम उसको अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ गए, यूडीपी में फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल कुछ नहीं होता, लेकिन टीसीपी में होगा। आगे देखो लिखा हुआ है, दिस मींस दैट स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सर्विस। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल लोगे तो वो स्लो भी होगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा, क्योंकि हमारे को फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल दोनों चीजें डालनी पड़ेंगी। फ्लो कंट्रोल के लिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता था डेटा लिंक लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंस ये रहता है कि जब डेटा लिंक लेयर पे होता है उसको वो फ्रेम ओरिएंटेड होती थी, बट यहाँ पे कैरेक्टर ओरिएंटेड होगी, कैरेक्टर ओरिएंटेड। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आगे लाइन्स आएंगी तो मैं वो पढ़ूंगा तो आपको याद आ जाएगा, अभी से सुन लो बस, ठीक है। हाँ जी, तो यही इन्होंने लिखा हुआ है कि स्लोअर और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा और फिर एरर डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे एंटोन, तो ऑब्वियस ही बात है कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा प्रोटोकॉल और स्लो भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब ओवरहेड्स है जबरदस्ती के। यूडीपी में कोई टेंशन ही नहीं है, फटाफट पैकेट बनाया भेजा एंटोन, कोई टेंशन ही नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी टेंशन रहेगी, इसलिए इन्होंने बोला है कि फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल इंप्लीमेंट करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और स्लो हो जाएगा हमारी सर्विस, ठीक है। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम डज नॉट नीड रिलायबल डज नॉट नीड रिलायबिलिटी बिकॉज इट यूजेज इट्स ओन फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म और इट नीड फास्ट सर्विस और द नेचर ऑफ द सर्विस डज नॉट डिमांड फ्लो एंड एरर कंट्रोल लाइक रियल टाइम एप्लीकेशन देन अनरिलायबल प्रोटोकॉल कैन बी यूज। ये बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। ऑन द अदर हैंड इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन लेयर पे देखो एक्चुअली में तो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करते हैं ना, है ना, तो कंप्यूटर तो कम्युनिकेट करते हैं, तो जो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्रोसेस कहाँ पे बैठे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हैं। तो अगर एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोसेस है उसके अंदर इनबिल्ट खुद का ही फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है तो ऑब्वियसली उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इन्होंने पहला पॉइंट बोला है। ऑन द अदर हैंड इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम डज नॉट नीड रिलायबिलिटी, डज नॉट नीड रिलायबिलिटी बिकॉज इट यूजेस इट्स ओन फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। इसलिए क्यों, क्योंकि उसके पास खुद का ही अपना फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा टीएफटीपी, ठीक है, टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारे गेट के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन टीएफटीपी में इंटरनल फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं, इसलिए वो यूडीपी का यूज करेगा, ठीक है। लेकिन एफटीपी में हमारे पास इंटरनल फ्लो एंड एरर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो टीसीपी का यूज करता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर पे, जो कोई यूडीपी यूज करेगा कोई टीसीपी यूज करेगा। अब टीएफटीपी में इंटरनल फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं इसलिए उसने यूडीपी का यूज करा, उसने बार बार, क्योंकि देखो एप्लीकेशन लेयर पे जब हमारे पास फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल हो रहा है तो फिर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोबारा से क्यों करें, टाइम बर्बाद होगा, है ना। ऑब्वियसली आप टीसीपी यूज करोगे तो सेगमेंट नंबर दिए जाएंगे, है ना, फ्लो कंट्रोल के लिए स्लाइडिंग विंडो यूज करी जाएगी एंड सो ऑन, उसमें टाइम बर्बाद होगा। तो क्यों ये कॉम्प्लेक्स सर्विसेज को यूज करना है, हम अपना नॉर्मल सर्विसेज फटाफट से जल्दी काम कर लेंगे ना। तो आपको इसे समझ में आ रहा होगा, यूडीपी बहुत फास्ट काम करेगा बट टीसीपी बहुत स्लो काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं है, लेकिन टीसीपी में ये सब है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और बार बार चेकिंग करनी क्यों है, जब एक बार आपके पास चेकिंग आपने जब एप्लीकेशन लेयर पे करी ली है तो फिर आप ट्रांसपोर्टर पे दोबारा से चेकिंग क्यों कराओगे, टाइम की बर्बादी है ना। इसलिए टीएफटीपी यूडीपी का यूज करता है क्योंकि इसके अंदर खुद से इंटरनल फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है, लेकिन एफटीपी में नहीं होते हैं, इसलिए फिर वो टीसीपी का यूज करेगा, मतलब वो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को यूज करेगा और फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल इंप्लीमेंट करवाएगा। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और टीसीपी में फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है इसलिए वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी, और यूडीपी में नहीं है ऐसा कुछ, इसलिए वो काफी फास्ट चलेगा, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ो भाई, है ना। हाँ जी, इफ एप्लीकेशन प्रोग्राम डज नॉट नीड रिलायबिलिटी बिकॉज इट यूज इट्स अपना खुद का ही एरर और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है और इट नीड फास्ट सर्विस और इट नीड फास्ट सर्विस, अगर फास्ट सर्विस ही आपको बहुत जल्दी से जल्दी डेटा डिलीवर करवाना है तो भी हम लोग ये यूज करेंगे, है ना। मतलब इन द सेंस जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, है ना, एरो की दवाई गाड़ी इधर मुड़ेगी, एरो की दवाई गाड़ी इधर मुड़ेगी एंड सो ऑन, मतलब ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हो, अब बहुत जल्दी जल्दी आप चाहते हो ना कि हमारा जल्दी जल्दी काम हो, रियल टाइम मतलब इंटरेक्टिव डेटा चाहिए हमारे पास ना, इंटरेक्शन कर रहा है यूजर, तो उस केस में यूडीपी ज्यादा फायदेमंद होगा, टीसीपी फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपने एरो की दवाई और अगर बाय चांस गाड़ी नहीं मुड़ी इस तरफ नहीं गई तो कोई कोई बवाल तो मच नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, एक बार नहीं मुड़ी तो कोई बात नहीं, आप दोबारा दबाने की कोशिश करोगे, आप फिर और दबाने की कोशिश करोगे कि हाँ भी फटाफट मुड़ जाए सॉल्व। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये इमेजिन करो कि एक बार आपने एरो की दबाई और गाड़ी इधर नहीं मुड़ी, मतलब पैकेट लॉस हो गया, तो अगर टीसीपी यूज कर रहे होगे तो कहेगा नहीं नहीं पैकेट लॉस हुआ, आप दोबारा से भेजो एंड सॉन्व, रिसीवर बोलेगा ना कि हाँ जी ये पैकेट मेरे पास नहीं पहुंचा, पैकेट को नंबर देके काम करते हैं ना, सेगमेंट हमारे पास नंबर है, नहीं पहुंची पैकेट तो कहेगा नहीं नहीं दोबारा भेजो, तो दोबारा से अगर उसने भेज दिया और फिर आपने अभी एरो की दबाई नहीं है, बिना दबाई गाड़ी ऐसे मुड़ने लग जाएगी, तो आपको तो क्या बकवास किया है भाई, मैंने अभी दबाई थी एरो की नहीं मुड़ी, तो फिर 1-2 सेकंड के डिले के बाद वो मुड़ गई गाड़ी,
तो आपको तो फिर गेम खेलने में मजा नहीं आएगा ना। अगर नहीं मुड़ी तो मारो गोली, कोई बात नहीं, नहीं मुड़ी तो हम दोबारा से दबाएंगे, फटाफट कोशिश करेंगे मोड़ने की, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बात बात समझ रहे हो ना। जब भी हमारे को रियल टाइम इंटरेक्शन करनी होती है, अगर कोई पैकेट लॉस हो भी जाए तो कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा, कोई बवाल नहीं मच रहा, गया तो गया, दोबारा से हम काम कर लेंगे। लेकिन अगर तो ये काम कब हो पाएगा, जब आपने कोई अनरिलायबल प्रोटोकॉल यूज किया होगा, है ना। मतलब एरर डिटेक्शन करेक्शन, एरर पैकेट लॉस हो रहा है, पैकेट नहीं पहुंच रहा, आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उनको छोड़ते जाएंगे, हम लोग उनसे हमारी टेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो यूडीपी करवा पाएगा। लेकिन टीसीपी तो अड़ा रहेगा कि अगर नहीं पैकेट नहीं पहुंच रहा तो मैं तो दोबारा भी जाऊंगा, दोबारा भी जाऊंगा तो टेंशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसलिए इन्होंने बोला कि फास्ट सर्विस हो, और नेचर ऑफ सर्विस डज नॉट डिमांड फ्लो एंड एरर कंट्रोल लाइक रियल टाइम एप्लीकेशन। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं उनमें फ्लो एंड एरर कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। रियल टाइम एप्लीकेशंस मतलब ये जो ऑडियो वीडियो, जब हम देखते हैं वीडियो, आप देख रहे हो है ना, शाहरुख खान ने लात मारी किसी को, उसको किसी को गिरा दिया, अब थोड़ी देर में पता लगा कि उसने दोबारा से लात मार दी, या लात जो आई उसने मारी थी वो उल्टी सीधी हो गई, एंड सब वो सब काम अजीब सा लगेगा आपको। आप आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना। पैकेट लॉस तो लॉस, बीच में अगर उसकी आवाज कट गई, कट गई तो कट गई, कोई बात नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा। लेकिन अगर वही बात आवाज कट गई और दोबारा से वो आई आवाज, तो फिर सारा ही लिप जो मतलब वो बोल कुछ रहा होगा, आपको सुनाई कुछ और दे रहा होगा, लिप सिंग मतलब सिंक्रोनाइज ही नहीं हो पाएंगी चीजें, तो सारा ही बवाल मच जाएगा। तो बेटर है उस केस में आप टीसीपी यूज नहीं करोगे, आप यूडीपी का यूज करोगे। ध्यान रखना भाई, रियल टाइम डेटा या यूजर इंटरेक्टिव डेटा, उसमें हर जगह यूडीपी यूज किया जाएगा, टीसीपी यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फिर वो तो अटक ही जाएगा। उसकी तो मतलब यू कैन से उसकी सुई वहीं अटक जाती है कि पैकेट नहीं पहुंचा ना, तो क्यों नहीं पहुंचा, मेरे को दोबारा चाहिए। लेकिन ये सब डिमांड्स रियल टाइम डेटा में नहीं करी जा सकती, क्योंकि अगर दोबारा से उल्टा पैकेट आएगा तो सारा ही फ्लो भी सारा ही खराब हो जाएगा उसका। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो आप समझ गए होंगे। अब एक एक बार लास्ट टाइम पढ़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम डज नॉट नीड रिलायबिलिटी बिकॉज इट यूजेज इट्स ओन फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो खुद ही अपना एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म करके बैठा हुआ है, तो हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो यूडीपी का यूज करता है, बट FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो जिसमें अपना खुद का फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं है, तो वो टीसीपी का यूज करता है, एंड सो, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इट नीड फास्ट सर्विस, और द नेचर ऑफ द सर्विस डज नॉट डिमांड फॉर एरर कंट्रोल, देन एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। इन द इंटरनेट देयर आर थ्री कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, वी हैव ऑलरेडी मेंशन यूडीपी इज कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल, टीसीपी एंड एचटीटीपी आर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल। ये HTTP के बारे में हमारे को नहीं पढ़ना, HTTP होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है। TCP और UDP दो है, तो UDP के बारे में मैंने क्लियरली बोल दिया कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल, और TCP और HTTP और कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो दीज थ्री कैन, ठीक है, इतना बस इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वन क्वेश्चन ऑफन comes to the mind, if the data link layer is reliable and has flow and error control, do we need this at transport layer 2? ये बात बहुत important है। देखो, data link layer के पास error control और flow control mechanism है। मैंने आपको सारा बताया था, data link layer याद करो, नहीं याद आते मेरे previous videos देखो। तो वहां पे हो रहा है, तो फिर transport layer पे आप दोबारा से क्यों कह रहे हो? है ना, ये इसने लिखा हुआ है कि do we need this at transport layer 2? Answer is yes, हमारे को चाहिए होता है ना। रिलायबिलिटी या डेटा लिंक लेयर इज बिटवीन टू नोड्स, ये बात बहुत बेसिक सी है। देखो, ये जो जो हम ये कनेक्शन, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल वाली, ये देखो, ये सेंडर और ये रिसीवर, यहां से यहाँ फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, यहां से यहाँ और यहां से यहाँ, ये कहानी किसकी होगी? डेटा लिंक लेयर की, है ना। बट एंड टू एंड अगर आपको चाहिए फ्लो एरर कंट्रोल, उसके लिए हमारे को ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ती पड़ती है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, आंसर इज यस, रिलायबिलिटी या डेटा लिंक लेयर इज बिटवीन टू नोड्स, वी नीड रिलायबिलिटी बिटवीन टू एंड, ठीक है, ओके। सो नाउ बिकॉज द नेटवर्क लेयर, हाँ, हमारे को बिटवीन टू एंड रिलायबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि नेटवर्क लेयर जो है वो हमारी बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम था, उसमें फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए फिर हमारे को ट्रांसपोर्ट लेयर पे डालना पड़ता है। देखो, उन्होंने लिखा हुआ, बिकॉज द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट इज अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, वी नीड टू इंप्लीमेंट रिलायबिलिटी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, टू अंडरस्टैंड दैट द एरर कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर डज नॉट गारंटी एरर कंट्रोल एट ट्रांसपोर्ट लेयर, लेट अस लुक एट फिगर 23.7। ये फिगर इन्होंने बना रखी है, एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट फिगर है, इसलिए आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना, अलग से कलर करके समझा देता हूँ चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो ये देखो भाई,
ये रेड कलर जो है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, हाँ ये देखो ये जो रेड कलर है, ये एरर इज नॉट चेक इन दिस पार्ट बाय डेटा लिंक लेयर, ये देखो ये रेड है, ये काम डेटा लिंक लेयर नहीं कर पाएगी, ऑब्वियसली बात है यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल कैसे हो पाएगा। अच्छा ये एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल यहाँ पे, ये इधर और ये इधर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के बस की, ये ट्रांसपोर्ट लेयर करवाएगी, डेटा लिंक लेयर के बस की बात नहीं है, डेटा लिंक लेयर तो सिर्फ यही ये वाला काम कर पाएगी, ठीक है, डेटा लिंक लेयर यहाँ से यहाँ फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल करा लेगी, यहाँ से यहाँ फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल करा लेगी, यहाँ से यहाँ फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल करा लेगी, है ना, लेकिन ये इधर 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 ये ट्रांसपोर्ट लेयर करवाएगी, ये डेटा लिंक लेयर नहीं करा पाएगी, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। चलो जी अब आओ वापस अपनी बात पे, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नहीं किया था तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके अपने आप दोबारा से नोट डाउन कर लेना, मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो टाइम पर बात होगा, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ लिया, तो अंडरस्टैंड दैट एरर कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर डज नॉट गारंटी एरर कंट्रोल एट ट्रांसपोर्ट लेयर, लेट अस लुक एट द फिगर, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। एज यू विल सी फ्लो एरर कंट्रोल इन टीसीपी इज इंप्लीमेंटेड बाय स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जैसे हमने चैप्टर 11 चैप्टर 11 में हमने वही डेटा लिंक लेयर वाला था ये चैप्टर, ठीक है, हां जी, ओके। विंडो हावर इज कैरेक्टर ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ फ्रेम ओरिएंटेड, ये पॉइंट मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया था, जो बेसिक डिफरेंस दोनों स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये छोटी छोटी बातें गेट एग्जाम में बहुत बार पूछी है और आती भी है, डेटा लिंक लेयर पे भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्लाइडिंग विंडो है डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम ओरिएंटेड होती है, मतलब फ्रेम नंबर 1 गया, फ्रेम नंबर 2 गया, फ्रेम नंबर 3 गया एंड सो ऑन, बट टीसीपी में जो फ्लो कंट्रोल किया जाता है वो भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से किया जाता है और वो इसके थ्रू होता है, वो कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच यूज होती है, मतलब कैरेक्टर बैक पहला कैरेक्टर गया फिर दूसरा फिर तीसरा एंड सो ऑन, तो जो स्लाइडिंग विंडो है ना, स्लाइडिंग विंडो वहां पे फ्रेम ओरिएंटेड है बट यहाँ पे कैरेक्टर ओरिएंटेड है। एनी हाउ जब मैं टीसीपी पे आऊंगा तो वहां बताऊंगा, यूडीपी में तो हमारे को जुड़ती नहीं, हमारे को स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ने नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना यूडीपी में, क्योंकि उसमें फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल का कोई चक्कर है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था काफी बार, क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी ये 3 प्रोटोकॉल इन्होंने बता रखा है भाई, टीसीपी यूडीपी, ये इन्होंने बताया था कि ओरिजिनल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक यूडीपी और टीसीपी, और हम पहले यूडीपी पढ़ेंगे फिर टीसीपी पढ़ेंगे, और एक नया प्रोटोकॉल है एससीटीपी जो कि डिजाइन किया गया और वो लेटर इन दिस चैप्टर डिस्कस किया गया, बट वो सब हमारे को पढ़ना ही नहीं है, तो हम ओरिजिनल टीसीपी प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के हिसाब से चलेंगे, मतलब गेट में जो है हमारे पास यूडीपी और टीसीपी दो चीजें हैं, और इसकी सिचुएशन इन्होंने बता रखी है, लोकेशन बता रखी है, ऊपर एप्लीकेशन है एसएमटीपी एफटीपी, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्विस, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बूटपी, है ना, ये सब बता रखे मैंने आपको, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बूटपी, ये सब क्लियर किया था मैंने आप लोगों को, याद आ रहा है ना, फिजिकल एड्रेस पता, आईपी एड्रेस जानना है, उसके लिए बूटपी और डीएचसीपी यूज करते थे, और ये नीचे ये बैठे एससीटीपी टीसीपी और यूडीपी, और उसके नीचे आईसीएमपी आईजीएमपी आईपी एआरपी आरएआरपी, और फिर नीचे अंडरलाइन लैंडमाइन टेक्नोलॉजी, ये सब डायग्राम वगैरह सब मैंने आपको बहुत पहले बना करके दिखा रखे है ना, हमारे को बार बार इसमें कुछ नहीं दिखना है, बस ये पोजीशन बता रहे हैं कि कहाँ पे है प्रोटोकॉल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कर लेना नोट डाउन सभी लोगों को, पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी तो अब यहाँ पे हम अपनी बात पे वापस आते हैं, तो हमने क्या क्या देखा, हमने अभी तक सिर्फ एक लॉन्ग टूर किया है, पुरानी बातें हमने कुछ कुछ रिवाइज करी हैं और कुछ नहीं, और हमने ये ढंग से पढ़ी कि यूडीपी, अब आपको समझ आएगा होगा कनेक्शन लेस का मतलब क्या है और अनरिलायबल का मतलब क्या है, अनरिलायबल मतलब यहाँ पे कोई फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ठीक है, रादर एरर कंट्रोल किया जाता है, लिमिटेड एरर कंट्रोल होता है, वो भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कैसे एरर कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे एंड सॉन्ग, है ना, बट यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाला कोई चक्कर नहीं है, मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड सॉन्ग यहाँ पे कुछ नहीं है, याद रखना आपको फ्लो कंट्रोल नो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल लिमिटेड एरर कंट्रोल है, ठीक है, अभी आपको आगे समझाऊंगा, ओके। हाँ जी आगे देखो, इट डज नॉट एड एनीथिंग टू द सर्विसेज ऑफ आईपी एक्सेप्ट टू प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, ऑल्सो इट परफॉर्म लिमिटेड एरर चेकिंग, वेरी लिमिटेड एरर चेकिंग, इसने बोल दिया ना, प्लीज ध्यान रखना है, अब ये अगर अगर यूडीपी का क्वेश्चन आता है तो आपको गेट एग्जाम में ये नहीं बोल के आना कि इसके अंदर एरर कंट्रोल नहीं है, एरर कंट्रोल है लेकिन लिमिटेड एरर कंट्रोल है, लिमिटेड, मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे लिमिटेड एरर कंट्रोल है, और फ्लो कंट्रोल तो इसमें रहेगा, फ्लो कंट्रोल इसमें रहेगा, ठीक है जी, ओके जी। एक्चुअली चलो थोड़ा सा बात हो गई तो मैं बता देता हूँ लिमिटेड एरर कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली यूडीपी में ना चेकसम यूज करते हैं हम लोग एरर चेकिंग के लिए, ठीक है, चेकसम यूज करते हैं, बट ये चेकसम ना ऑप्शनल होता है, ठीक है, लगाओ ना लगाओ को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये चेकसम हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप चेकसम को इग्नोर करना चाहते हो तो ऑल वंस भेज देना, सारे वन उठा करके भेज देना, तो आप समझ जाओगे कि चेकसम हमारे पास यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो मतलब हम यूडीपी में चाहे तो एरर कंट्रोल हटा भी सकते हैं अगर आप चेकसम में सारे वन भेज दोगे, तो इसलिए हमने इसमें क्या कहा गया लिमिटेड एरर कंट्रोल है, नो नहीं बोलना, नो क्यों नहीं कह रहे हम, नो एरर कंट्रोल का मतलब चेकसम होता ही ना,
बट है तो सही, लेकिन ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है लगाओ ना लगाओ। अगर आप हटाना चाहते हो जेक्सम को तो ऑल वंस हटा के भेज देना, काम खत्म, ठीक है। इसलिए इसमें लिमिटेड एरर कंट्रोल कहा गया है, ठीक है। चलो आते हैं वापस अपनी बात पे। चलो भाई, हाँ जी, तो आप समझ गए होंगे आप लोग, इट डज नॉट एड एनीथिंग टू द सर्विसेज ऑफ आईपी एक्सेप्ट टू प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो मतलब आईपी की, आईपी में मतलब कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करवा रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन आईपी के थ्रू हो गया, अब एक्चुअल प्रोसेस के पास डेटा पर जाना तो वो फिर यूडीपी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और वेरी लिमिटेड एरर चेकिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इफ यूडीपी सो पावरलेस, व्हाई वुड अ प्रोसेस यूज इट, है ना। जब इतना ही इसमें कुछ है ही नहीं तो इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आप आगे देखो ये इसका रीजन दे रहे हैं, विद अ डिसएडवांटेज कम सम एडवांटेज, यूडीपी इज वेरी सिंपल प्रोटोकॉल यूजिंग अ मिनिमम ऑफ ऑर्डर। यूडीपी बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, यूडीपी इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, और इसमें ओवरहेड बहुत कम होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बहुत कम ओवरहेड है, सिर्फ 8 बाइट का हेडर है इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ओके, इफ अ प्रोसेस वॉन्ट्स टू सेंड अ स्मॉल मैसेज एंड डज नॉट केयर मच अबाउट रिलायबिलिटी, इट कैन यूज यूडीपी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैसेज, मैंने आपको बहुत बार बताया ना, चॉपिंग वॉपिंग इसके बस की बात नहीं, छोटा सा मैसेज करना है और रिलायबिलिटी का आपको केयर नहीं है, पहुंचे ना पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यूडीपी बहुत अच्छा है, है ना। ओके, सेंडिंग अ स्मॉल मैसेज बाय यूडीपी टेक मच लेस इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर देन यूजिंग टीसीपी और एचटीटीपी, ठीक है। यूजर सेंडर रिसीवर की इंटरेक्शन बहुत होती है टीसीपी एचटीटीपी, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, फिर कनेक्शन तोड़ा जाएगा, ये सब करने में जरूरत नहीं है। अगर आपको छोटा सा मैसेज करना है, आप भेज के अपना काम खत्म करो, ठीक है। क्यों फालतू का कनेक्शन बनाते हो, क्यों फालतू का कनेक्शन तोड़ते हैं, सो इसलिए ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, यूडीपी बहुत फास्ट होगा, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, ठीक है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको किताब रीड करने सिखा रहा हूँ। किताब रीड करोगे ना तो मजा आ जाएगा, रियली मैं बता रहा हूँ, बहुत डीप और बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, समझ गए ना। इफ अ प्रोसेस वांट्स टू सेंड अ स्मॉल मैसेज, अगर आपको कोई छोटा सा मैसेज करना है एंड डज नॉट केयर मच केयर अबाउट रिलायबिलिटी ज्यादा आपका कंसर्न नहीं है, तो यूडीपी बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो समझ गए होगे, आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। वेल नोन पोर्ट्स फॉर यूडीपी, यूडीपी के लिए कुछ वेल नोन पोर्ट्स है, मैंने बताया था ना 0 से 1023 वेल नोन है, 1023 से 49151 तक हमारे पास रजिस्टर्ड है, 49152 से 65535 तक हमारे पास एफीमेरल पोर्ट नंबर है। सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको याद आ रहा होगा ना, हाँ जी। तो ये कुछ वेल नोन पोर्ट नंबर बता रहे हैं, 7 प्रोटोकॉल इको के लिए है, 9 डिस्कार्ड के लिए है, 11 यूजर्स के लिए है, वो बता रहा है कि एक्टिव यूजर क्या है। ये प्लीज डिस्क्रिप्शन में थोड़ी अपने आप पढ़ लेना, इतना रियली रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। डे टाइम मैंने आपको बताया ना, डे टाइम सर्वर एंड सॉन, तो डे टाइम प्रोटोकॉल के लिए रिटर्न डे एंड टाइम है ना, एंड सॉन। अच्छा, ये बूट पी एस बूट पी क्लाइंट है ना, ये बूट पी एस मतलब बूट पी सर्वर, बूट पी क्लाइंट। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डीएचसीपी के बारे में बताया था, मैंने 67 68 डीएचसीपी के लिए बताया था, आप बूट पी के लिए यहाँ पे बता रखा है, कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको बताया था बूट पी और डीएचसीपी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता था बूट पी डीएचसीपी में, वो मैंने आपको सारा क्लियर कर रखा है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल एड्रेस पता है, आईपी एड्रेस जानना है, उसके लिए हम लोग डीएचसीपी और बूट पी का यूज करते थे। तो बूट पी में सिर्फ स्टैटिक आईपी एड्रेसेस का काम था, डीएचसीपी में डायनेमिक आईपी एड्रेसेस से हम लोग काम कर पा रहे थे, और डीएससीपी बैकवर्ड कंपेटेबल था, मतलब जो भी पोर्ट नंबर हम लोग बूट पी यूज कर रहे हैं वही डीएससीपी भी यूज करा करता था, आपको याद आ रहा होगा। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वर के केस में हमारे पास क्या होता है भाई, सर्वर्स को हम लोग वेल नोन पोर्ट नंबर देते हैं और क्लाइंट एफीमेरल पोर्ट नंबर लेते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर भी किया था कि देखो भाई ये क्लाइंट है, बूट पी क्लाइंट है, उसको 68 पोर्ट नंबर दे रखा है, वेल नोन पोर्ट नंबर दे रखा है, और सर्वर को 67 दे रखा है, एंड सो कुछ एक्सेप्शन है। ये मैं आपको नहीं, अगर याद आ रहा तो मैं आपको किताब में से लाइन ही पढ़ के सुना देता हूँ, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, इसलिए तो हम लोग ये देखो मैं ये लिखा हुआ है, हाँ जी। तो ये देखो, द इंटरनेट हैज डिसाइडेड टू यूज यूनिवर्सल पोर्ट नंबर फॉर सर्वर्स, दीस आर वेल नोन पोर्ट नंबर एंड देर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल, फॉर एग्जांपल देर आर क्लाइंट्स दैट आर असाइंड वेल नोन पोर्ट नंबर्स, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हमने वेल नोन पोर्ट नंबर दे रखा है, कुछ एक्सेप्शन है, मैंने आपको क्लियर किया था प्रीवियस लेक्चर में भी, बट लाइन पढ़ ली तो आप थोड़ा सा आपको ज्यादा रिलायबिलिटी पता लग जाएगी कि हाँ जी किताब से हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो हाँ जी, हम कहाँ चल रहे थे, ओके हाँ, तो ये हमने कुछ वेल नोन पोर्ट नंबर्स वगैरह सब देख लिए थे, है ना। ये आइडिया ले लेना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा इसमें इतना नहीं याद रखना, थोड़ा थोड़ा बस किताब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब ये अच्छी बात है यूनिक्स में, है ना। तो द वेल नोन पोर्ट्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड ETC, है ना। ये यूनिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जब आप IITs में जाएंगे तो वहां पे आपको भाई उबंटू में काम करना पड़ेगा, लैपटॉप में विंडोज वगैरह नहीं चलानी पड़ेगी, उबंटू में काम करना पड़ेगा, लिनक्स में सारा काम होगा आपका, है ना। और इसके बिना सर्वाइवल ही नहीं है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिक्स लिनक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके कमांड्स वगैरह सब अच्छे से आने चाहिए। इनफैक्ट जब मैं IIT बॉम्बे में था
तो आईटी बॉम्बे में तो हम लोग प्रॉपर पढ़ा करते थे सब कुछ, है ना। यूनिक्स में वीआई एडिटर होता है, वो अच्छे से आपको कमांड्स वगैरह उसके सब चलाने आने चाहिए, जैसे हमारा नोटपैड होता है ना विंडोज में, ऐसे ही वीआई एडिटर होता है हमारे पास यूनिक्स में। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए, इन पे कुछ कुछ कमांड्स होते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये, और बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है बजाय विंडोज के, नोटपैड के। ठीक है, तो मेरी एक्चुअली बस वही है, विंडोज चल इसलिए ज्यादा गई क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, जो हमारा ये बिल गेट्स हैं उनकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी थी, इसके कारण वो चले हैं। नहीं तो जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो एक्चुअल टेक्निकल पर्सन हैं, उनके लिए यूनिक्स लिनक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर लैब में आपको बताया था ना, सॉफ्टवेयर लैब में ये सब पढ़ाए जाते थे, पहले वीआई एडिटर सिखाया गया था, फिर यूटिलिटीज, अलग अलग कमांड्स हैं, है ना, तो सब कमांड्स आपको आनी चाहिए। ग्रेप ग्रेप कमांड ये जो बता रहे हैं ना, पूरी एक लैब थी हमारी ग्रेप कमांड पे। ठीक है, ग्रेप कमांड पे पूरी एक सॉफ्टवेयर लैब में पूरा डेडिकेटेड ग्रेप कमांड पे था, उसमें अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सम सब कुछ होता है, तो वो पूरी डिटेल स्टडी आपको कराई जाएगी वहां पे। एनी हाउ, थोड़ा सा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो फायदा हो जाएगा। मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, है ना, तो ये एक है बुक आती है सुमिताभा दास करके, सुमिताभा दास, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है स्पेलिंग इसकी, आप सर्च कर लेना बस, यूनिक्स बाय सुमिताभा दास, फंडामेंटल ऑफ यूनिक्स बाय सुमिताभा दास, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर यूनिक्स। इतनी ब्यूटीफुल किताब है ये, इतनी अच्छे से समझा रखा है, जैसे फोरोजन पढ़ने में आपको मजा आ रहा ना, इससे 10 गुना ज्यादा मजा आएगा जब आप ये किताब पढ़ेंगे। अभी तो नहीं पढ़नी आपको, गेट एग्जाम दे लो, गेट एग्जाम देने के बाद जब आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम पे आप ये किताब पढ़ सकते हैं, मतलब गेट देने के बाद और आईआईटी में घुसने से पहले आपके पास 5-6 महीने होंगे ना, उसमें आपको कोडिंग वगैरह सीखनी है और थोड़ी सी यूनिक्स वगैरह सीख लेना, लाइफ इजी हो जाएगी। आईआईटीज में नहीं तो बहुत परेशान हो गए, पहले सारे यूनिक्स लेने अच्छे से सीखनी पड़ेगी, ढंग से सब आएगा, उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट कर पाओगे वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे अगर काम करना है, अच्छे से असाइनमेंट्स वगैरह बनाने हैं, सब कुछ करना है, तो यूनिक्स लेने से आपको ढंग से आने चाहिए। तो इट्स अबाउट ट्रेड ऑफ ना, कि पहले आप सारा यूनिक्स लेने ढंग से सीखो, उसके बाद असाइनमेंट्स पे जंप करो। बेटर है कि अगर आपको पहले से भी सब आता होगा तो कोडिंग असाइनमेंट्स करनी है वो सब बहुत आसान रहेगी आपके लिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यूनिक्स की सुमिताभा दास खरीद लेना, तो आप मतलब ई बुक डाउनलोड कर लेना, फ्री में आपको मिल जाएगी, है ना। नहीं तो किताब खरीद लो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो उसकी हार्ड कॉपी पड़ी थी, मैंने तो ये सब अच्छे से पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी वहाँ पे आसान थी, नहीं तो बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सब पढ़ने पड़ते थे, पहले सारे यूनिक्स यूनिक्स पढ़ते थे, उसके बाद ये सब काम करते थे। एनी हाउ, अगर कॉलेज थोड़ा सा आपका अच्छा है तो आपने वैसे ही उबंटू वगैरह इंस्टॉल किया हुआ होगा, लिनक्स में आप ऑलरेडी काम करते हो, नहीं करते तो कर लेना भाई। ठीक है, चलो ठीक है जी, तो अब आते हैं वापस अपनी बात पे, कहानी कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, तो इन यूनिक्स वेल नोन पोर्ट नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड ETC सर्विसेज, तो ये स्लैश है रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर ETC डायरेक्टरी, ETC डायरेक्टरी के अंदर सर्विसेज एक फाइल है, उसके अंदर ये सारी स्टोर होती है। ठीक है, ईच लाइन इन दिस फाइल गिव्स द नेम ऑफ द सर्वर एंड द वेल नोन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो एक टेबल है, एक किसान समझो टेबल आपने बना रखी है, ये जैसे टेबल थी ना ऊपर, है ना, ये देखो ये जो ये टेबल इसी इसी टाइप की टेबल ही है ये ETC सर्विसेज फाइल। ठीक है, ओके जी, आगे देखो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, वी कैन यूज ग्रेप यूटिलिटी, ये ग्रेप कमांड है भाई। ठीक है, ग्रेप यूटिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिजायर्ड एप्लीकेशन। ग्रेप एक सर्च यूटिलिटी होती है भाई, यूनिक्स में एक सर्च करने के लिए यूज होती है। अब ये इसका फायदा ये है कि जब आप ग्रेप कमांड लगाओगे, जैसे हमने ये देखो लगा रखा है ग्रेप, ये डॉलर तो वो ही है, आपको पता होगा प्रॉम्प्ट है, यूनिक्स का प्रॉम्प्ट है ये डॉलर, है ना। हाँ जी, तो ग्रेप FTP और ETC सर्विसेज, तो ये फाइल का नाम है ETC/ETC सर्विसेज, और ये FTP हो गया नाम जो आपको सर्च करना है। तो जिस जिस लाइन में इस फाइल की जिस जिस लाइन में FTP होगा वो सारी लाइनें ये प्रिंट कर देगा। तो ये दो लाइनें हैं जहाँ पे FTP था, तो FTP 21 TCP, FTP 21 UDP, तो ये ऐसे आपके सामने आ जाए, प्रिंट कर देगा, समझ गए। तो ग्रेप कमांड क्या करता है, लाइनें शो करेगा फाइल की, जिस भी फाइल पे आपने ग्रेप कमांड चलाया होगा तो ग्रेप, और उसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको सर्च करना है वो टेक्स्ट लिखोगे आप, और यहाँ पे फाइल का नाम लिखोगे। तो अब इस फाइल में जहां जहां पे FTP वर्ड आ रहा होगा वो लाइनें उठ उठ के आपके पास आउटपुट में शो हो जाती है, तो ये आपके पास दो लाइनें शो हो रही है। ठीक है, हाँ जी, तो देखो आगे लिखा हुआ, वी कैन यूज ग्रेप यूटिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिजायर्ड एप्लीकेशन, द फॉलोइंग शोज द पोर्ट ऑफ पोर्ट फॉर FTP, नोट दैट FTP कैन यूज पोर्ट नंबर 21 विद इधर UDP और TCP। ठीक है, तो FTP पोर्ट नंबर 21 यूज करता है UDP के साथ भी और TCP के साथ भी, क्लियर हो गया। ओके, SMTP यूजेस टू पोर्ट 161 एंड 162 ईच फॉर डिफरेंट पर्पस, वी विल सी। ठीक है, SMTP पे अभी वो आगे हम देखेंगे, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 161 और 162 यूज करता है। ठीक है, ओके जी,
ठीक है जी। तो आप देखो वही बात है, हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेप कमांड, समझ गए हो? हाँ जी, ये डॉलर ग्रेप, डॉलर तो हमारा प्रॉम्प्ट ऑर्गेनिस्ट था, उसमें हमने ग्रेप लिखा। ग्रेप लिखने के बाद ये शेल में सारा काम किया जाता है ना, सब चीजें आपको सुमिता बजाज किताब में मिल जाएंगे, शेल क्या होता है सब, मैं आप वो सब नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, एसएमटीपी, ये जो आपको सर्च करना है, ये आपने टेक्स्ट लिखा और किस फाइल में सर्च करना है, रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर ईटीसी डायरेक्टरी, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर सर्विसेस, ठीक है। ये फाइल है सर्विसेस फाइल के अंदर हमारे को ये एसएमटीपी ढूंढना, तो ये आपको दिखा रहा है एसएम एसएनएनपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल 161 टीसीपी है ना, और ये सब एंड सब प्लीज, ठीक है, इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यूडीपी के जो पैकेट होते हैं उनको हम लोग यूजर डेटाग्राम कहते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लें, है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि लेक्चर के हिसाब से, ठीक है जी। तो यहीं से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो, हमने काफी कुछ देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।